नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ रितिका थपलियर। वक्त हो चला है इस वक्त कुछ बड़ी खबरों की तरह। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता की हत्या के बाद वीरभूम में हो रही हिंसा भड़कती जा रही है। इसी बीच मंगलवार को वीरभूम में कुछ घरों को बाहर से ताला लगाकर आग लगा दी गई, जिसके चलते 10 लोग जिंदा जलकर राख हो गए। इसी मामले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया और सांसद एवं पश्चिम बंगाल प्रदेश महासचिव श्रीमती लॉकेट चटर्जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मंगलवार को भाजपा के नई दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर में आयोजित संयुक्त प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में घटित घटना पर ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। साथ ही घटना के निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग भी की। ये जो हत्याएं हो रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, जो निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है, तो ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उनसे ये सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछती है। अपने विपक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन करके, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी ममता जी किसकी है? क्या पश्चिम बंगाल में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है? ऐसा क्यों होता है कि वहां पे बम फेंकना इंसानों पे आम बात हो गई है, जैसे कोई खिलौना हो? दुखद ये है कि जो लोग ये कृत्य करते हैं उनको सजा मिलना तो दूर की बात है, एक संदेश दिया जाता है आम जनता को कि ये टीएमसी के ही हैं, इनसे डर के रहना, और अगर विरोध करने की हिम्मत जुटाई तो तुम्हारे घर जला दिए जाएंगे, तुम्हें मार दिया जाएगा। इंसाफ के तराजू पे टीएमसी के गुंडे भारी पड़ रहे हैं। इस तराजू में इंसाफ नहीं है, बाकी सब कुछ है। और ये बात बड़ी जिम्मेदारी से इस मंच से हम उठाते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। 2 मई पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे। ये लोकतंत्र का महापर्व है, खुशी का माहौल होना चाहिए था, लेकिन कोई भूलेगा नहीं जिस तरह से इस प्रकरण में निर्दोष मारे गए हैं, हत्या की गई है, उसी तरह से 2 मई को भी खून की होली खेली जा रही थी। और ममता बनर्जी जी, ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि आपकी नाक के नीचे अराजकता पनपती है, गुंडा राज आगे बढ़ता है, हत्यारों को संरक्षण मिलता है? जब हत्याएं हो रही होती हैं तो आप दूसरी तरफ देख रही होती है, लगता ऐसा है कि संदेश स्पष्ट है, तुम हत्याएं करो, पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वर्दी तुम्हारे बचाव में उतरेगी। पश्चिम बंगाल कम और ममता बनर्जी, सत श्री अकाल जी। चलाने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान अब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने मंगलवार को एक और बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत संविदा पर काम कर रहे करीब ग्रुप सी और डी के 35,000 कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया है। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर्मचारियों को तोहफा देते हुए ऐलान करते हुए कहा कि 35,000 अकुशल कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने कहा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के कच्चे कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा, अगले सत्र में ये कानून लाया जाएगा। सत श्री अकाल जी सारे पंजाबियों नूं, मैं तुहाड़ा अपना भगवंत मान। जदों दी आम आदमी पार्टी दी पंजाब दे विच सरकार बनी है, असी दिन रात एक कीता होया लोक पक्षी फैसले लैण लई। मैं जिस तरह पहलां भी कहना हुंना कि 70 साल लेट हो गए, हुण अवेसले होण दा जां आराम करन दा टाइम नहीं, दिन रात एक करांगे। और जिहड़े असी फैसले लै रहे हां, लोग खुशी खुशी उहनां नूं प्रवान भी कर रहे ने। इहदे लई
बहुत बहुत धन्यवाद। जदों असी चोण प्रचार करते सी अरविंद केजरीवाल जी या साड़ी होर लीडरशिप तो साड़ी गड्डी दे शीशे दे कोले आके नॉक किया जाता सी शीशा शीशा खुलता सी तां बहुत सारे मुलाजम मिलते सी कि असी कच्चे हाँ जी असी 18-18 साल तो कच्चे हाँ जी साढ़े ते तलवार लटक रही है पता नहीं कदों कर देंगे सानू ते साथों बहुत वध तनखाह ते साइन कराए जाते हैं पर दित्तियां सानू बहुत घट तनखाह जांदियां ने बाकी जिहड़ा मार्जिन है ठेकेदारां दा जां आउटसोर्सिंग करन वालियां दा रोण भी लग जांदे सी वो। सो असी वादा कीता सी चोण प्रचार दौरान कि असी सारे कच्चे मुलाजमान नू पक्के करांगे। अज जो मैं फैसला करन लगे हाँ बहुत इतिहासिक है, शायद ही देश दे विच किसी गौरमेंट ने इस तरह का फैसला पहला कीता होवे। ग्रुप सी ते ग्रुप डी दे 35,000 मुलाजम जिहड़े ने उन्हां नू पक्के करन दा फैसला लिया गया। मैं अपने सारे अफसरां नाल मीटिंग कर ली, चीफ सैकटरी साहब नूं मैं निर्देश दे दिते ने कि ठेका प्रणाली ते आउटसोर्सिंग तों खैड़ा चढ़ाओ। हैरानी दी गल है कि स्कूल जिहड़े ने सरकारी वो टीचरां तों खाली पए ने, उस स्कूल दे सामने जिहड़ी पानी दी टैंकी है उहदे उत्ते जिहड़े एलिजिबल टीचर ने वह धरना दे रहे ने उहदे उत्ते चढ़ के कि सानूं रख लो जी नौकरी करके। ये नहीं है कोई नवीं जॉब्स क्रिएट करनियां ने, अजे वो भी करांगे पर पहला जे पुरानियां नूं ही भर दिए तो बहुत सारे जिहड़े बेरोज़गार ने उन्हां दे घरां दे विच चुल्हे की अग जिहड़ी है बन लगू, उन्हां दे घरां च खुशियां आउणगियां। 35,000 ग्रुप सी ते ग्रुप डी दे जिहड़े मुलाजम ने कच्चे उन्हां नूं पक्के करन दे निर्देश दित्ते ने। मैं चीफ सैकटरी साहब नूं निर्देश दित्ता है कि अगले विधानसभा सैशन तो पहला पहला इस कानून का मसौदा बना के मैनू भेजो ताकि आप विधानसभा दे विच उन्हूं मंजूर करके लागू कर सकीए। मैं नहीं चाहुंदा हुण पंजाब दे पुत्तां दीआं पग्गां लैण, पग्गां टैण, धीआं भैणां दीआं चुन्नियां लैण, ये लाठी चार्ज, ये पानी दीआं बाछड़ां बहुत हो गईआं। कोई ऐसा चौंक नहीं, कोई ऐसी टैंकी नहीं जिथे धरना ना चलता हो। सो मैं ये वादा कीता सी कि जे आम आदमी पार्टी सरकार आ गई तो साढ़े कोले हरे रंग का पेन आ गया तो पंजाब धरना मुक्त हो जूगा। स्कूल बनाने का ऐलान किया है, तो स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर होगा। जड़ौदा कला में बनने वाले इस स्कूल में ट्रेनिंग समेत सभी सुविधाएं मुफ्त होंगी। दिल्ली सीएम ने मंगलवार को शहीद आजम भगत सिंह के शहीदी दिवस 23 मार्च से एक दिन पहले यह ऐलान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा, पिछले साल हमने ऐलान किया था कि दिल्ली में एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जहाँ बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उस स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह आर्मर्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल होगा। ये स्कूल पूरी तरह से मुफ्त होगा और आवासीय होगा। यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टी खासकर सेना, नौसेना और वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर्स को ट्रेनिंग कराने के लिए लाया जाएगा। स्कूल में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल्स भी होंगे। कल ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी पर लटका दिया गया। तीनों ने देश के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस मौके के ऊपर दिल्ली सरकार आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। आप सबको पता है कि 20 दिसंबर पिछले साल 20 दिसंबर 2021 को हमने कैबिनेट ने निर्णय लिया था और हमने ऐलान किया था कि दिल्ली में एक स्कूल बनाएंगे, ऐसा स्कूल बनाएंगे जहाँ पर बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो एनडीए में, नेवी में, एयरफोर्स में भर्ती हो सकें। उसके लिए उनको तैयार किया जाएगा, एक स्पेशल किस्म का स्कूल तैयार किया जाएगा। उस स्कूल का नाम हमने तय किया है कि उस स्कूल का नाम शहीद आज़म भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। उस स्कूल का नाम होगा शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल। शहीद भगत सिंह आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल, ये स्कूल पूरी तरह से फ्री होगा, सब कुछ फ्री होगा।
रेजिडेंशियल होगा, यानी कि जितने भी बच्चे उसमें एडमिशन लेंगे वो सारे वहीं पे उनको हॉस्टल में रहना होगा। लड़कों का अलग हॉस्टल होगा, लड़कियों का अलग हॉस्टल होगा। और झरोदा कला में एक 14 एकड़ की का कैंपस बनाया जा रहा है, वहाँ पे ये स्कूल पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट एकदम मॉडर्न स्कूल सारी सुविधाओं के साथ लैस ये स्कूल बनाया जा रहा है। जैसे आर्म्ड फोर्सेस में, फौज में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज सिखाई जाती हैं, इसी तरह से इस स्कूल के अंदर बच्चों को ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज सिखाई जाएंगी। और इन्हें एनडीए, नेवल एकेडमी और दूसरी आर्म्ड सर्विसेज के लिए इन बच्चों को तैयार किया जाएगा। यहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टी, खासकर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स, नेवल ऑफिसर्स को यहाँ पे लाया जाएगा ट्रेनिंग कराने के लिए। ये स्कूल दिल्ली के रहने वाले सभी बच्चों की, दिल्ली में रहने वाला कोई भी बच्चा इस स्कूल में एडमिशन ले सकता है। इसमें 9वीं क्लास में और 11वीं क्लास में एडमिशन होगा। 9th क्लास में 100 सीट होंगी, 11वीं क्लास में 100 सीट होंगी। अभी तक इस साल से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो अभी तक 18,000 एप्लीकेशन आ चुकी हैं। केवल 200 सीटों के लिए 18,000 एप्लीकेशन आ चुकी हैं। 27 मार्च को 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए इसके टेस्ट हो रहे हैं, और 28 मार्च को 11वीं क्लास में जो एडमिशन होंगे उसके लिए टेस्ट हो रहे हैं। वो फेज़ वन होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है, और सेकंड फेज में उनके इंटरव्यू लिए जाएंगे। तो ये दिल्ली वासियों का एक तरीका है। संसद के बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान हंगामा हो रहा है। कांग्रेस सांसद महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। महंगाई को लेकर कांग्रेस सांसदों ने राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा भी किया। हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। कल यानी मंगलवार को भी राज्यसभा में महंगाई को लेकर विपक्षी दलों ने हंगामा किया था। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ा। बता दें कि बुधवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसदों ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के सांसदों ने एलपीजी सिलेंडर, गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि को लेकर संसद में गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी होनी ही थी, चुनाव को लेकर इसे रोका गया था। खड़गे ने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद कीमतें बढ़ा दी गई हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में मोदी मोदी के नारों पर एतराज जताया। उन्होंने इसके लिए पूर्व सीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की टिप्पणी को भी टिप्पणी का भी जिक्र किया। मोइत्रा ने मंगलवार को सदन में कहा, वाजपेयी का बुरा डर सच हो गया है। मोदी मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री सदन में एक योद्धा की तरह प्रवेश करते हैं। सरकार ने संसद को रोम के कोलोसियम में बदल दिया। मोइत्रा ने अपनी बात को कहने के लिए 1972 में वाजपेयी द्वारा संसद में की गई टिप्पणी को उद्धृत किया। मोइत्रा के अनुसार वाजपेयी ने कहा था, नई दिल्ली का माहौल इन दिनों दम घूटू हो रहा है, स्वतंत्र रूप से सांस लेना आसान नहीं है। ऑल इंडिया रेडियो पर सुबह से रात तक एक प्रधानमंत्री के नाम का जाप, सिनेमा स्क्रीन पर लगातार प्रोपेगेंडा, विपक्ष में बैठे लोग इससे कैसे लड़ सकते हैं। नागरिक विमानन मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों पर चर्चा में शामिल होते हुए मोइत्रा ने कहा कि ये शायद भारत की सबसे बड़ी त्रासदी है कि वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जिस पार्टी का नेतृत्व किया, वह आज संसद के रोम के कोलोसियम की तरह चला रही है। मोइत्रा ने यह टिप्पणी 4 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के वक्त लोकसभा प्रधानमंत्री मोदी के जयकारे का परोक्ष जिक्र करते हुए किया। 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा को यूपी, गोवा, उत्तराखंड व मणिपुर में ऐतिहासिक जीत मिली है, इससे भाजपा गदगद है। I would like to quote former Prime Minister Vajpayee in 1972, who said in Parliament, "These days the atmosphere in New Delhi makes one choke. It is not easy to breathe freely. The chanting of a Prime Minister's name on All India Radio from morning to night, saturated propaganda on cinema screens. How can people sitting in opposition fight this?"
It is India's greatest tragedy, perhaps, that the very party Vajpayee ji led as Prime Minister today leads a government that has turned this very same Parliament into the Colosseum in Rome in the first century, where, like a gladiator, the Honorable Prime Minister enters to chants of Modi, Modi. And sadly, those entrusted with the decorum of this house, the garima, as they like to put it, smile smugly through it all. So today, as a woman parliamentarian, let me chant some names that truly deserve applause, both in this house and in the annals of civil aviation history of India. The first Indian woman to get a pilot's license, Urmila Parekh. The first woman commercial pilot, Prem Mathur. The first woman pilot of Indian Airlines, Durba Banerjee. The first woman IAF officer to fly in a combat zone, Gunjan Saxena. The captain of the first Boeing having an all-women flight crew, Saudhamani Deshmukh. The youngest pilot in civil aviation history to command a jet aircraft, Nivedita Bhasin. And on this celebratory note, my esteemed colleagues, let us do what needs to be done. Keep the Maharaja out of the skies by all means. खास खबरों में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD News.